तो दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे पौराणिक मंदिर और ऐतिहासिक कथाएं हैं जिन्हें आपने किसी से सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन हमारे इंडिया में ही एक छोटे से गांव में एक ऐसा भगवान शिव जी का त्रेता युग में बनाया पौराणिक मंदिर है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ज़्यादातर लोगों को, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को, इस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं। इस मंदिर की कहानी इतिहास की किताबों में कहीं खो गई है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों तक उस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, सीधे उस मंदिर में जाते हैं और हासिल करते हैं उस मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, तो क्या इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप दर्शकों को कुछ बता पाएंगे? आइए श्रीमान, आइए आइए आइए। देखिए, इस मंदिर के बारे में बहुत सी लोग कथाएं हैं जो सभी को पता नहीं है। मैं आपको इस मंदिर के बारे में आज बहुत कुछ बताऊंगा। तो पूछिए, आपको क्या पूछना है इस मंदिर के बारे में? देखिए, ये मंदिर काफ़ी पुराना है और लोक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को ये आदेश दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए। उसके बाद कई साल बाद राजा बाण ने इस मंदिर पे तपस्या की थी और उस तपस्या के बदले भगवान शिव जी ने बाण राजा को वरदान दिया था। वो वरदान देने के बाद इसी मंदिर में भगवान शिव जी गुप्त हो गए थे और तभी से इस मंदिर को गुप्तेश्वर नाम से लोग जानते हैं। और एक मान्यता के मुताबिक विश्वनाथ काशी धाम से एक शिवलिंग लाकर इसी मंदिर में गुप्त करके रखा गया, जिसके वजह से भी इस मंदिर को लोग गुप्तेश्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो मंदिर के अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है, लेकिन पंडित जी ने हमें स्पेशल परमिशन दिया है, तो चलिए दोस्तों मौके का फायदा उठाते और अंदर ले चलते आपको मंदिर के अंदर और दिखाते अंदर का नजारा। तो हर साल शिवरात्रि के मौके पर यहाँ भव्य मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में दूर दूर से भक्तगण आके यहाँ पे शिव जी का आराधना करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।